हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जो नेपाल का क्रिकेट टीम है, इसको लगा है बहुत बड़ा एक झटका, क्योंकि जो ललित राजवंशी है वो एशियन गेम से हो गए हैं बाहर। जो नेपाल का टीम है वो एशियन गेम्स के लिए जब प्रैक्टिस कर रहा था, उसी टाइम पे ललित राजवंशी को चोट आया है और इसके कारण से वो अभी हॉस्पिटलाइज है। ऐसा माना जा रहा है जो एशियन क्वालिफायर होगा नेपाल में, जो नेपाल होस्ट करने वाला है इस बार का एशियन क्वालिफायर, अगर आप लोग नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे वीडियो है, जाके देख सकते हैं। तो जो एशियन क्वालिफायर है इसके लिए ललित राजवंशी को तैयार किया जा रहा है, और नेपाल टीम का संदीप लामिछाने के बाद जो ललित राजवंशी है उसके दूसरा अच्छा स्पिनर माना जाता है। ललित राजवंशी ने 29 जुलाई 2019 में नेपाल टीम में डेब्यू किया था, और उसका अभी जो ओडीआई है 23 ओडीआई में 28 विकेट ले चुका है, और 12 टी20 मैच में 10 विकेट अभी तक ले चुके हैं ललित राजवंशी। एशियन गेम्स को देखते हुए जो नेपाल का टीम है इसके लिए ललित राजवंशी बहुत ही एक अच्छा विकल्प हो सकते थे, क्योंकि जो चाइना का पिच है वो स्पिनर के लिए बहुत मददगार होगा, ऐसा ही जो क्रिकेट एक्सपर्ट है उन लोगों का मानना है। और जो नेपाल का टीम है एशियन गेम्स में इस बार बहुत ही एक प्रबल दावेदार भी माना जा रहा है, क्योंकि जो नेपाल का टीम है वो एशिया कप खेल के आया या फिर जो मैच खेल के आया उसको देखते हुए जो नेपाल का टीम है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दावेदार माना जा रहा है इस बार एशियन गेम्स के लिए। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बोल दूं, इस बार एशियन गेम्स में पहली बार मेंस क्रिकेट को शामिल कर दिया गया है, यानी एशियन गेम्स में पहली बार मेंस क्रिकेट भी होगा, और ललित राजवंशी जो एक बहुत ही अच्छा स्पिनर है उसकी जगह पे जो नेपाल का स्क्वाड है इसमें सागर ढाकाल को इंक्लूड किया गया है नेपाल की टीम में। जो सागर ढाकाल है वो तो ललित राजवंशी का जो रिप्लेसमेंट है उसको भरपाई नहीं कर सकता है, क्योंकि संदीप लामिछाने और ललित राजवंशी ये दोनों स्पिन अटैक अगर होता तो नेपाल का बॉलिंग लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता। इसको देखते हुए जो नेपाल का टीम है वो तो ललित राजवंशी को ज़रूर बहुत मिस करेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो सागर ढाकाल है ललित राजवंशी की जगह पे रिप्लेसमेंट हुआ है वो उसका भरपाई कर पाएगा या नहीं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो एशियन गेम्स में नेपाल का टीम अच्छा खेल पाएगा उसका भी कमेंट ज़रूर बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगला और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।